ये दिख रही है आपको अब अब तो दिखनी चाहिए शायद नहीं दिख रही है दिख रही है सर ओके ओके चलिए आप जूम इसको अपनी साइड से कर सकते हैं ना आप अपनी साइड से इसको जूम कर लेना कि हो जाएगा मेरे हिसाब से ये वाली पीडीएफ ही आपको देखनी है दूसरी वाली जो थी उसमें जो ज्ञान विज्ञान समिति लिखा है उसमें देखना वो थोड़ी सी बिल्कुल संक्षिप्त करके दी है इसमें पूरा आपको दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं और पात्र हैं और उनमें कौन कौन सी बातें जो है मुख्य मुख्य है अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको चलते चलते देखेंगे लगभग ये पच्चीस पेज की है इसमें से दो तीन पेज तो ऐसे रहेंगे शुरुआती जो यहाँ पर है देखिए प्रथम अंक स्थान है बाह्य प्रांत यहाँ पर आपको जो प्रश्न आएगा ना वो ऐसा ही पूछा जा सकता है देखना कि इसमें जो आपका अंक है इनको क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा जा सकता है आपको कि पहले अंक का नाम क्या है तो आपको बनाना कैसे है और ये तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो दूसरी मैंने खुद बनाई है आपके लिए पीपीटी देख रहा हूँ उसमें मिलेगा ये चीज कि आपको पहले अंकों का पता होना चाहिए कि प्रथम जो अंक है वो है बाह्य प्रांत यहां पर कौन कौन से दो हैं एक महंत जी हैं दो जो दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं एक चीज तो ये याद रखनी कि इसमें एक है आपका महंत और उसके दो चेले हैं इस बात का पता आपको लग गया अब ये सभी जो है वो एक साथ क्या गाते हैं राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम के वजह से गणिका तर गई राम के वजह से गीत गति पाई राम के नाम से काम बने सब राम के भजन बिनु सब ही नसाई राम के नाम से दोनों नयन बिनु सूरदास भय कवि कुल राय राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भय भजी रघुराई यहाँ पर देखिए कुछ एक शब्द हैं उनके आगे एक या दो लिखा हुआ है तो नीचे ये दिखा है नष्ट होना और विभिन्न कवियों में जो श्रेष्ठ है ठीक है नसाई का मतलब है नष्ट होना और सूरदास भाई कवि कवि कुल राय मतलब कवियों में श्रेष्ठ ठीक है इस तरीके के कुछ जो कठिन शब्द हैं वो नीचे दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये सारे ही क्या कर रहे हैं राम भजन करने की बात कर रहे हैं पहले अंक में और बाह्य प्रांत है ये ठीक है सबसे पहले महंत जी यहाँ पर आते हैं फिर जो कहता है कि बच्चा नारायण दास यह नगर तो बहुत दो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो महंत है वो अपने किसको कह रहा है शिष्य को कह रहा है, है. नारायण दास जो इसका पहला शिष्य हमारे सामने आ गया कि भैया ये नगर बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है अगर कुछ भिक्षा भिक्षा मिल जाए तो ठाकुर जी को भोग लगे कि भाई तब अच्छा हो सकता है अच्छा हो जाएगा फिर नारायण दास जी कहते हैं गुरु जी महाराज नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो अगर भिक्षा भी इतनी सुंदर मिल जाए तब तो बात ही कुछ और है फिर महंत जी कहते हैं दूसरे शिष्य से बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा अब यहाँ पर यह प्रश्न आपको बन सकता है देखना क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना ये ही आपको पूछी जाती हैं पेपर में कि जो महंत है वो अपने दो शिष्यों को किस दिशा में भेजता है तो पूर्व और पश्चिम है तो पूर्व में किसको भेजता है और पश्चिम में किसको भेजता है तो गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर से जा गोवर्धन को भेजा पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर ठीक है और जो कुछ सीधी सामग्री सीधा सामग्री मतलब तो खाने पीने का जो सामान मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो तो भगवान को भी भोग लग जाएगा भाई गोवर्धन दास जो है वो क्या कर रहे हैं आगे गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ तो ये गोवर्धन दास जो था वो थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का है देखना इसको आप आगे जानेंगे भी यहाँ के लोग तो बड़े मालवार दिखाई पड़ते हैं आप कुछ चिंता मत कीजिए गोवर्धन दास कहता है कि मैं बहुत सारी भिक्षा ले आऊंगा यहाँ के लोग बड़े मालवार हैं भाई धन धान्य से परिपूर्ण हैं मैं बहुत सारी भिक्षा ले आऊंगा अब यहाँ पर एक संदेश जो है देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको पेपर में पूछा जा सकता है आपको ये कह रहा है इसके अंक बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं बहुत ही छोटे अंक है देखना इसमें बहुत लोभ मत करना देखना हाँ पहले महान से ऐसा कहता है फिर एक छोटी सी लाइन ये कहता है गीत के जरिए लोभ का पाप लोभ पाप का मूल है लोभ मेटावत मान लोभ कभी ना कीजिए या मैं नरक निदान ठीक है तो ये कह रहा है कि भाई लोभ तो पाप का मूल है ठीक है हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए ठीक है ये इसमें पहले जो अंक का अंत है वो किसके साथ हो रहा है उपदेश के साथ ही हो रहा है यहां पर देखना चल गाते हुए सब लोग चले जाते हैं छोटा सा अंक है देखिए जहां पर गुरु और शिष्यों का संवाद होता है दो उसके शिष्य हैं एक नारायण दास है एक गोवर्धन दास है दैट्स इट नारायण दास जो है देखना उसका एक आदर्श शिष्य है जबकि जो गोवर्धन दास है वो उसका थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है ठीक है अब आता है आपका दूसरा जो यहाँ पर अंक है देखिए वो है बाजार दूसरे अंक का नाम क्या रखना है आपको याद सिंपली बाजार दैट्स इट अब इसमें क्या चीज रहेगी एक रहेगा कबाब वाला अब यहां पर आपको कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है बस ये क्रम आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे क्रम यहां पर लगाए हुए हैं इनको क्रमानुसार ही लगा दीजिए एक दो करके याद रखिए रोल नंबर एक किसका है यहाँ पर कबाब वाले का ऐसे करके याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कबाब वाला क्या कह रहा है कि कबाब गर्मा गर्म मसालेदार चौरासी मसाला बहत्तर आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार खाए सो होट चाटे ना खाए सो जीभ काटे कबाब लो कबाब का ढेर बचा सिर ठीक है बेचा टके टके सिर सॉरी यहां पर कहने का मतलब है देखना इस बाजार वाले दृश्य में क्या चीज रहती है कि सारी चीजें जो है वो टके में ही बिकती हैं मतलब यहां पर ये इनडायरेक्टली ये मैसेज भी दे रहे हैं भारत हिंदू हरीश की भारतवर्ष में हर चीज क्या हो गई है बिकाऊ हो गई है ठीक है चीज के जो मोल क्या है, एक बराबर ही है ऊंच मतलब नीच सब कुछ कुछ नहीं देखा जा रहा है इसमें सब कुछ बराबर है ठीक है गदा घोड़ा सब एक पर एक समान है और यही स्थिति उस वक्त अंग्रेज राज में भी रही है कि अंग्रेजों ने यहाँ पर सब कुछ क्या कर दिया था मतलब तहस नहस कर दिया उन्होंने ठीक है मतलब मूर्ख था का चित्रण है इसमें राजाओं की भ्रष्टाचार का चित्रण है इसमें जो भी चीजें हैं सारी की सारी और एक चीज याद रख लेना कि इस अगला जो नाटक है इनका वैसे भारत दुर्दशा उसमें आपको ध्यान रख लेना है कि भारत दुर्दशा में क्या चीज है भारत दुर्दशा में जो है वो उसने रासव कहा है देखना देशी राजाओं को गधा यहाँ पर अंग्रेजों ने तो शासन किया ही किया लेकिन यहाँ के जो राजा थे जो इस राजा की भी बात कर रहा है कि वो बिल्कुल अपनी बुद्धि से काम नहीं लेने वाले राजा थे और अंत में उनका विनाश जो है वो वैसे ही होगा जैसे अंधेर नगरी के इस राजा का विनाश हुआ था ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा तो दोनों ही नाटक इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट है और एक चीज और याद रख लेनी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के कुछ एक उद्देश्य निर्धारित किए हैं इसने जो नाटक के उद्देश्य दिए थे वो कौन कौन से थे ये हम आगे जानेंगे हालांकि मैंने लिखे हुए हैं वो पीडीएफ में तो वहां पर आपको सिंपली इतना ही याद रख लेना है देखिए पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है इसमें एक है आपका आ, कि उसमें श्रृंगारिकता होनी चाहिए नाटक में ठीक है मतलब रसों में श्रृंगार रस जरूरी है नाटक में दूसरी चीज ये कह रहा है कि नाटक में जो हास्यात्म हास्यास्पदात्मक चीज है या हास्य व्यंग्य होना चाहिए और तीसरा इसने बोला कि जो जिज्ञासा है जिसको हम कौतुक कहते हैं वो भी नाटक का एक प्रमुख उद्देश्य है ये पीजीटी की क्लासेज में मैंने बता दिया था जब नाटक के बारे में हम पढ़ते हैं लेकिन फिर से भारतेंदु हरिश्चंद्र से अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि इसने नाटक के उद्देश्य कितने माने हैं तो पहले तो याद रख लेना है जो आपका पहली चीज याद रखनी है आपको देखना श्रृंगारिकता ठीक है कौतुक भी लिख लीजिए दूसरे नंबर पर कौतुक हो गया इसके बाद हास्य लिख दीजिए ठीक है ये भी हो जाएगा ठीक है हास्य के साथ साथ आपको कुछ आ, हास्य कौतुक श्रृंगार सामाजिकता या समाज संस्कार जिसको कहते हैं देखना समाज संस्कार और लास्ट में आएगा देश प्रेम या इसको हम देश वत्सलता भी कहते हैं आप देश प्रेम लिखें या देश वत्सलता लिखें बात एक ही है ठीक है ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार जो क्या रहेंगे आपके जो इसके नाटक के उद्देश्य हैं इन पांचों को ध्यान में रखना कई बार भारतीय पूछी जा सकती है तो पहले आ गया यहाँ पर देखिए कौन सा कबाब वाला फिर आया घासी अब इस घासी ने क्या किया इसने चना जोर गरम मतलब ये चना बेचने वाला है देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है शायद पीछे कि चना हाकिम सब जो खाते ठीक है ये ऐसी कुछ लाइन इसके बीच से आई थी एक वो देखना आपने चने जोर गरम चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले चना खावे तो की मैना बोले अच्छा बना चबेना चना खाए गफरून मुन्नी बोले और नहीं कुछ सुनना चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली यहाँ पर ये देखिए ये बोल रहा है कि जो काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वैश्याए थी ना ये इनके नाम है अब आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में काशी की वैश्याओं का जिक्र हुआ है तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि यह हुआ था जो इनका अंधे नगरी नाटक रहा है ये अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है देखना इतनी बारीकी से नहीं आया है लेकिन आपको ये बारीकियां अब देखनी पड़ेंगी नाटकों की ठीक है तो यहां पर कौन कौन सी गणिकाएं आई हैं गणिकाएं यानी कि वैश्याए आई हैं ऊपर गणिका की बात इसने की भी थी देखना बिल्कुल शुरुआती पंक्ति में ठीक है तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा ठीक है चनक हावे मैना ठीक है बोले अच्छा बना चबेना ठीक है गफरून है मुन्नी है तोकी है और मैना है ये आपको ध्यान रख लेना है कि इन चार वैश्याओं का जिक्र इसमें किया हुआ है जो उस उसमें प्रसिद्ध वैश्याए थी और वैश्याओं में जाने वाले जो भी लोग हैं उन सबको जो है वो चना चना क्या है खूब बाता है और जो टके शेर है तो यहाँ पर पहले नंबर पर कबाब वाला दूसरे नंबर पर है गासीराम उसके बाद है आपका तीसरे नंबर पर देखिए यहां पर नारंगी वाला अब नारंगी वाले ने देखिए सिलहट ये बंगाल का एक कस्बा है बंगाल का ही था या कुछ और है नीचे लिखा है देखिए हाँ बांग्लादेश का बांग्लादेश का एक कस्बा है और बुटवल जो है ये कहाँ के नगर है ये आपका नेपाल का एक नगर है ठीक है तो आपको फिर से प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि बुटवल और सिलहट की नारंगी का जिक्र कहां पर हुआ है तो नारंगी वाले ने किया है देखना ये कि भाई ये सिलहट की नारंगी और बुटवल की नारंगी रामबाग की नारंगी और आनंदबाग की नारंगी नारंगी जो कानपुर उत्तर प्रदेश में रामबाग और आनंदबाग ठीक है इसका इसने क्या किया है जिक्र किया है भाई नारंगी वाले ने भाई नींबू से नारंगी मैं तो पिया के रंग नारंगी मैं तो भूली लेकर संगी नारंगी ले नारंगी कमला नींबू मीठा नींबू रंगतरा संगतरा दोनों हाथों में नहीं पीछे रथलते रहोगे नारंगी ले नारंगी टके से नारंगी मतलब इस वाले दृश्य में क्या किया है कि अलग अलग जो वहां पर बेचने वाले बाजार में है उन सब का चित्रण किया और वो सारी ही चीजें क्या बेच रहा है टके में ही बेच रहा है ठीक है अंधेर नगरी है भाई हलवाई जलिया जलेबियां गर्मा गर्म ले सब इमारत लड्डू उसके बाद आ गया हलवाई वाला देखिए ठीक है और गुलाब जामुन है खुरमा है बुंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोट पकौड़ी वगैरह बगे, बगेर वगैरह सारी चीजें ये बेच बेच रहा है यहाँ पर ठीक है और ये भी क्या है सिर्फ टके में ही बेच रहा है ठीक है फिर आता है कुंजड़िन कुंजड़ीन कुंजड़ीन आती है ले धनिया मेथी सोआ पालक चौरा बथुआ ऐसी कुछ चीजें ये बेच रहा है देखने बेच रही है यहाँ पर कुंजनिन तो इसको भी आप देखिएगा हालांकि प्रश्न आपको नहीं बनेगा आपको सिंपली इतना याद रख लेना है कि ये क्या रहे हैं इन्होंने मतलब यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ पर बेचने का काम किया हुआ है ठीक है तो कुंजनिन से आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पर कि ये सब्जी बेचने वाली है जिसमें लहसुन मिर्च प्याज टिकोरा इत्यादि ठीक है फिर आता है मुगल मुगल से आपको क्या याद रख लेना है ये मेवे और फल बेचने वाला है दैट्स इट इतना याद रखिएगा देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है बादाम पिस्ते अखरोट बी दाना किशमिश अंजीर सब कुछ बेच रहा है ये ठीक है तो इसको देखिए ठीक है मुगल मुगल के बाद आता है पाचक वाला पाचक जो है ये चूरन अम अमल क्या लिखा है अमलबेद की भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी ठीक है तो यहाँ पर पाचक वाला एक और पात्र है जो चूर विक्रेता है बस आपको इससे ये रख ना, और ये उसकी ना ये वाली जो पंक्ति है यहाँ पर चूरण साहब जो लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता चूरण पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते मतलब यहाँ पर फिर से इसने व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य किया है कि ये जो चूरण है ना ये चूरण का मतलब है यहाँ पर की जो आपका घूस खाना एक तरीके से ठीक है कि सब लोग खाते हैं भाई सारा हिंद उसको पूरे भारत वर्ष को ही क्या कर दिया खत्म कर दिया है चूरण खा खा के ठीक है तो तुम लोग भी खाइए भाई ये इस तरीके से यहाँ पर इनडायरेक्टली मैसेज भी दिया जा रहा है तो एक बहुत ही गंभीर मैसेज इस नाटक के जरिए उन्होंने हास्य व्यंग्यात्मकता के जरिए देने का प्रयास किया है और ये पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना इस वाले की जो पाचक वाले की है ना इसकी पंक्तियां आप जरूर देखिएगा ये पूछी जा सकती है देखना नाटक वाले खाते नकल पचाकर लाते ठीक है चूरण सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते चूरन खाते लाला लोग ठीक है सारे ही ये बोल रहे हैं कि चूरन खा रहे हैं फिर आता है मछली वाला मछली मछली रे मछरिया टके के बिकाए लाख टका के वाला ठीक है ये मछली वाला है मछली वाले के बाद आता है वाला ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है जात वाला पाचक वाला ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए देखना क्योंकि इसके जरिए सीधा इन्होंने प्रहार किया है बाकी तो चलिए खैर अपना सामान बेच रहे हैं लेकिन ये जो जात वाला है यानी कि ब्राह्मण इसके इससे भी इन्होंने क्या किया जात ले जात तके सिर में जात बिक रही अभी एक टका दो टका हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें टके के वास्ते झूठ को सच करें और टके के वास्ते ही जो आगे क्या कह रहा है देखना ब्राह्मण से मुसलमान मतलब सब कुछ क्या है टके के हिसाब से ही है मतलब ब्राह्मण को क्षत्रिय जब करने की बारे तो उसको उस वैसा कर देंगे जब अपने मतलब अपने उल्लू के उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी कुछ भी कह देना है ना ये चीज है इसके कहने का मतलब फिर आता है बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पर टके से बेच रही है एक एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी चीज को क्या कह रहा है मतलब श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है साथ ही साथ ये भी व्यंग्य किया गया है कि हर चीज भारतवर्ष में क्या है वो टके में ही बिक रही है मनुष्य का मान ईमान सब कुछ जो है वो आज के समय में एक तरीके से टके में हो गया था ये उस वक्त उन्होंने कह दी थी और आज भी इस नाटक का मंचन आप देखते हैं जगह जगह जो है वो होता रहता है ठीक है ये हो गया सबने अपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ली उसके बाद आता है गोवर्धन दास फिर से फिर ये कह रहा है देखिए बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों का आवाज की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है गोबर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने शेर बोला टके शेर और चावल ये भी टके शेर चीनी टके शेर घी टके शेर सब टके शेर सचमुच हाँ महाराज क्या झूठ बोलूंगा फिर कुंजरिन के पास जाकर क्यों माई भाजी क्या पाओ बाबाजी टके शेर निनुआ मुरई धनिया मिर्चा सब टका शेर ये सारी चीजें ये क्या बोल रहा है कि टके शेर में ही है फिर गोबर्धन सब भाजी टके शेर वाह वाह बड़ा आनंद है यहाँ सभी चीज टके शेर हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर बाबा जी लड़ुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके टकेर हैं वाह वाह बड़ा आनंद है क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता सचमुच टके है ना हाँ बाबा जी सचमुच टके सेर है इस नगरी की चाल ही यही है यहाँ सब टके से बिकती है क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है अंधेर नगरी और राजा का नाम क्या है चौपट राजा वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा यही गीत है और आनंद से बगल बजाता है ठीक है तो ये चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि कहां पर आया ये पहला कथन देखिए कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा ये ये आ आएगा आपका इस तीसरे वाले वाले बाजार अंक में ठीक है है उसके बाद कौन सी देखिए फिर ये कह रहा है हलवाई से तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो हलवाई कहता है गोवर्धन दास कहता है कि बच्चा भिक्षा मांगकर सात पैसे लाया हूं ये वाला प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि गोवर्धन दास जो है वो भिक्षा मांगकर कितने पैसे लाया है तो साढ़े ये सात पैसे लाया है देखना साढ़े तीन शेर मिठाई दे दे और ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी शेर मिठाई ली इसने साढ़े तीन शेर मिठाई और गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे कि इतने में इनका हो जाएगा भाई हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा की मिठाई लेकर खाते हुए अंधे नगरी गाते हुए जाते हैं बाबा जी ठीक है तो ये हो गया यहाँ पर आपका इस वाले पर्दा यवनिका गिरती है का मतलब है देखना पर्दा गिर जाता है ओके उसके बाद है आगे तीसरा अंक जंगल का अब इस जंगल में क्या है देखिए मंथ जी और नारायण दास एक और से राम भजो मतलब वो तो वही आग गा रहे हैं कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई जो शुरुआत में आई था आई थी देखना पंक्ति लेकिन दूसरी ओर से गोवर्धन दास जो है वो अंधे नगरी गाते हुए आते हैं ठीक है अंधे नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा ये इस तरीके का दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं मतलब गा रहे हैं ठीक है इसको ध्यान रखिए फिर उसके बाद आगे ये क्या कह रहे हैं ये तो हो गया कि तीसरे अंक में आपस में फिर से मिलते हैं वो फिर महंत आता है कि, कहता है कि बच्चा गोवर्धन दास क्या क्या भिक्षा लाया गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है गोवर्धन कहता है 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 कि बाबा जी महाराज बड़े मा, बड़ा माल लाया हूं सिर मिठाई ठीक है। है? देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने लगकर खोल देता है वह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया किस धर्मात्मा से भेंट हुई गुरु जी महाराज सात पैसे भीख में मिले थे उसी से इतनी मिठाई मोल ली है ठीक है एक बार फिर से सात पैसे का जिक्र हुआ बच्चा महंत कहता है कि बच्चा नारायण दास बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सेर में मिलती है मतलब यहाँ पर देखना ये कई बार गलती हो जाती है हमसे यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि जो आपका गोवर्धन दास है वही गुरुजी को कहता है कि यहाँ पर सब टके टकेर में बिकता है लेकिन ये बात नारायण दास ने उससे कही थी महंत को ध्यान रखिएगा नारायण दास ने उसको बताया था कि यहाँ सब चीजें टके सेर में मिलती है तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसके कौन राजा हैं जहां टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है खाजा एक प्रकार की एक मिठाई है जो मैदे से बनती है विशेष किस्म की ठीक है तो ये सारी चीजें ये कह रहा है तो यहाँ पर देखिए गोवर्धन दास क्या कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टका सिर खाजा तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है मतलब जहां पर हर चीज का दाम एक ही है वो ऐसी नगरी में हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल है ठीक है तो इसमें एक दोहा ये कहता है देखना है, ये दोहा फिर से महत्वपूर्ण है ये कह रहा है कि सेठ सेठ सब एक से जहां कपूर कपास की श्वेत रंग की सारी चीजें अगर एक ही रंग की हो जाए चाहे वो कपूर हो चाहे कपास हो ऐसे देश को देश में कबहु न कीजिए वास ऐसे देश में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए भाई कोकिला वॉइस कि जहां पर कोयल और कौआ जो है वो एक समान है पंडित और मूर्ख एक समान है इंद्रायन विषय जहां ने कु विवेक बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए रही है तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए सो बच्चा चलो यहां से ऐसी अंधे नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की यहाँ एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए कि अगर यहाँ पर हमें हजार मन मिठाई भी मिल जाए तब भी हमें ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए कुछ गड़बड़ है भाई ठीक है तो ये चीज यहाँ पर ये कह रहा है जो आपका महंत है। लेकिन ये गोवर्धन दास लालची प्रवृत्ति का था देखिए ये कह रहा है कि गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है दो पैसा पास में रहने ही से मजे में पेट भरता है मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता ठीक है हाँ और जगह सॉरी और जगह अगर दिन भर मांगेंगे तो भी हमारा पेट नहीं भरेगा ये कह रहे हैं यहाँ पर जो आपका गोवर्धन है अब इससे फिर से ये परेशान हो जाता है देखना यहाँ पर एंड मंथ देख बच्चा पीछे पछताएगा गोवर्धन कहता है आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए मंथ मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रहूंगा देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे पछताएगा मैं तो जाता हूं पर इतना कह जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण जरूर करना गोवर्धन दास कहता है प्रणाम गुरु जी मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप यहीं रहेंगे मंथ जी नारायण दास के के साथ चाहते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई वहीं पर खाता रहता है फिर से यमनिका गिरती है यहाँ पर तीसरा अंक हो गया समाप्त तीसरे अंक में हमने क्या देखा सिंपल इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है देखना कि इसमें आपको मुख्य रूप से ये बताया गया है कि जो गोवर्धन दास है उसको जो महंत है वो एक शिक्षा शिक्षा दे रहे हैं कि भाई ऐसी नगरी में हमें नहीं रहना चाहिए जहां पर हर चीज जो है वो एक ही दाम में मिल रही है इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है ठीक है।, है लेकिन गोवर्धन जो है वो लालची प्रवृत्ति का वो तो चाहता है कि समझता है कि भाई सब कुछ चीज इतने सस्ते में मिल रही है तो क्यों ना बढ़िया से आनंद पूर्वक जिया जाए ठीक है चौथा अंक है राज्यसभा का अब मेन अंक जो यहां पर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्टिंग है यहां पर देशी राजाओं की जो स्थिति है वो बताई गई है देखना उस वक्त की राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं मतलब है स्टेज पर हैं एक सेवक चिल्लाकर पान खाइए महाराज राजा पिनक से चौंक के घबरा कर उठता है पिनक एक प्रकार का मतलब एक ऊंघना टाइप है विशेष किस्म का नशा नीचे लिखा भी होगा देखना तो क्या कहा सुरूप नखा आई है महाराज भागता है मतलब तो उसको सुनाई देता है कि सुरूप न खाइए उसने बोला था कि पान खाइए उसको लगा कि सुरूप न खाइए ठीक है।, है मंत्री राजा का हाथ पकड़कर नहीं नहीं यह कहता है कि पान खाइए महाराज दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक को डरा दिया मंत्री इसको सौ कोड़े लगाए महाराज इसका क्या दोष है ना तो तमोली तो पान लगा लगा कर देता नहीं, या अच्छा तमोली तो को दो सौ कोड़े लगा दे यहाँ पर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है देखना कि वो दो सौ कोड़े लगाने का आदेश किसे दे देता है तो तमोली तो को जो है वो दो सौ कोड़े कोड़े लगाने का आदेश दे, दे देता है क्योंकि उसकी उसको उसने डरा दिया वही स्वनका के नाम से डर गया वो पर मंत्री बड़ा इसमें थोड़ा सा दिमाग वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं आप तो सूपनका के नाम से डर दर, डरे हैं सूरप को सजा होनी चाहिए ठीक है तो राजा घबराकर फिर वही नाम मतलब वो सूर्पनका के नाम से डर जाता है मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेरबेर तुमको सत बुलाना बुलाना चाहता है नौकर नौकर शराब फिर दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है कि भाई वो सुरूपनका से डर रहा है तो मैं तो तुम्हारी शिकायत जो है रानी से कर दूंगा क्योंकि रानी से वो भी डरता होगा राजा ऐसा राजा होगा ना कि वो तुम्हारी सौत बुलाने को चाहता है भाई अब उसकी तुलना इसने किससे कर दी यहाँ पर सौत से कर दी इनडायरेक्टली ठीक है अब मतलब कि वो के समान है अपनी पत्नी को कोई ऐसा कह रहा है ठीक है मतलब यहां पर स्त्री को स्त्रियों के प्रति भी राजा जो है वो कैसा थे उस वक्त के मतलब उनकी स्थिति में सोच वैसी निमंत्र स्तर की ही कह सकते हैं आप दूसरा नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उलझ कर देता है लीजिए महाराज पीजिए महाराज राजा मुंह बनाकर पीता जैसे मुंह बनाते हैं शराब को पीते वक्त हम ठीक है और कहता है कि और दे दे फिर उतने में निपथ्य मतलब कि पीछे से आवाज आती है निपथ्य वगैरह और ये जो आपके सारी चीजें हैं देखना यवनिका ये, ये हमने नाटक में पढ़ा है पीजीटी में तो इन चीजों को बताने की जरूरत मैं समझता हूं यहां पर नहीं है आपको ठीक है तो नेपथ्य से आवाज आती है दुहाई है दुहाई है ठीक है कौन चिल्लाता है पकड़ लाओ दो नौकर और एक फरियादी को पकड़कर दो नौकर एक फरियादी को

राजा बोलता है कि अच्छा उसका कोई भाई लड़का दोस्त आशना आशना होता ज्ञात परिचित जो अज्ञात सॉरी मतलब जो उसका परिचित व्यक्ति हो ठीक है जो भी हो उसको पकड़ लाओ भाई अब मंत्री कहता है कि महाराज दीवार दीवार जो बोलती है वो ईंट चूने की होती है उसको भाई उसका भाई बेटा कोई रिश्तेदार नहीं होता राजा अच्छा कल बनिए कोई पकड़ के ले आओ नौकर लोग जो है बनिए को पकड़ के ले आते हैं क्यों भी बनिए इसकी लड़की क्यों नहीं इसकी लड़की नहीं नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई देखिए उसकी एक तो न्याय करने की वो अवस्था में ही नहीं था शराब पी के न्यायालय में न्यायालय नहीं सॉरी अपने जो राजभवन में बैठा है ठीक है मतलब यहाँ पर क्या है कि जो राजा है वो भोग विलासिता एंड सत्ता लोलुपता में ही संलिप्त थे एक तो ये यह चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है और उससे हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ठीक है ये चीज उस वक्त थी तो देश का जो आम तबका था वो ऐसे ही शासन जो आपके शासक थे उनके नेतृत्व में रह रहा था और यही चीज आप देखेंगे रीतिकाल में इससे ज्यादा थी धीरे धीरे हम इससे बाहर निकलना चाहते थे इसलिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस तरीके के नाटक को लिखने की आवश्यकता पड़ी और यही जागरण धीरे धीरे क्या हुआ एक सांस्कृतिक जागरण हुआ जो हमने पीछे देख लिया जिसमें आपका ब्रह्म समाज से लेकर के हर एक समाज जो है वो वह वहां पर पनपा ठीक है अब यहां पर आपको दोबारा जो है राजभवन से ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है देखना राज्यसभा से कि राज्यसभा में जब राजा आदेश या ये अपना जो न्याय कर रहा होता है तो वो सबसे पहले किसको बुलाता है या फिर किस बात को लेकर को न्याय देना चाहता है तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रख लेना है कि जो कल्लू बनिया है देखना उसकी दीवार गिर गई जिसके नी, नीचे मरकर एक जो है एक फरियादी है इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है कि उसकी बकरी जो है वो मर गई है ठीक है ये चीज यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि जो फरियादी है उसकी बकरी जो है वो कल कल्लू बनिए की दीवार के नीचे ढह गई इसलिए वो अब कल्लू बनिए को पहले तो देखिए दीवार को ही देना चाहता था कि उसको सजा होनी चाहिए ठीक है फिर बोलता है कि चलो दीवार के रिश्तेदारों को बुलाइए उसको सजा होनी चाहिए अब यहां से आपको ये क्रमानुसार पूछे जा सकते हैं कि वो बारी बारी से किस जो है वो बुलाता है तो सबसे पहले बुलाया गया कल्लू बनिए की दीवार को फिर दीवार के रिश्तेदारों को फिर दीवार के रिश्तेदारों के बाद पता चला कि भाई उनको तो फांसी नहीं हो सकती ठीक है फिर क्या रहेगा आपका कल्लू बनिया को ही बोलता है कि चलो उसको ही बुला लीजिए कल्लू बनिया आता है वो बोल रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं है कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी अब राजा को फिर से लगता है कि भाई इस, इसको छोड़ देते हैं अब जो है कारीगर को बनाते हैं जिसने दीवार बनाई है ठीक है तो कारीगर बोलता है महाराज मेरा भी कसूर नहीं है चूने वाले ने ऐसा ही चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी अब देखिए उसने दूसरे के सिर पर मर दिया कि भाई मेरा कसूर नहीं है और चूने वाले का कसूर है राजा बोलता बोलते हैं अच्छा अब इसको भी निकाल देते हैं अब जो चूने वाले को निकालते हैं चूने वाले को बोल रहा है कि महाराज मेरा भी दोष नहीं है भिश्ती ने चूने में पानी ढेर सारा मिला दिया इसलिए चूना कमजोर हो गया अब बारी आई भिष्ती की भिष्ती भी क्या कह रहा है कि गुलाम का कोई कसूर नहीं कसाई ने मस्क इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया अब उसने कसाई के सिर में जो है वो बात को डाल दिया अब राजा जो है वो श्ती गंगा जमुना की किश्ती को निकाल देता है फिर कहता है कि कसाई को बुलाया जाए कसाई कहता है कि महाराज गडरिया ने टके सेर पर टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मश्क बड़ी बनी ये बोल रहा है कि इसने क्या कर दिया कि उसने मुझे भेड़ बेच दी जिससे उसकी मश्क जो है वो बड़ी बन गई मतलब उसमें जो मसाला है वो ज्यादा बन गया ठीक है अब राजा कह रहा है कि गडरिया को लाया जाए भाई महाराज इधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई सो उसको देखने में छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया मेरा कुछ कसूर नहीं है अब गढ़रिए ने आगे किसको बोल दिया कि कोतवाल साहब ने क्या कर दिया एक सवारी निकाली थी और मेरा सारा ध्यान जो वो कोतवाल की सवारी पर गया और मैंने छोटी भेड़ की जगह उसको जो बड़ी भेड़ दे दी और जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ देखिए एक आदमी जो है दूसरे पर दूसरा जो तीसरे पर लेकिन राजा भी जो है अपने बुद्धि विवेक से काम ना लेकर वो क्या कर रहा है बस उसको सुने जा रहा है सुने जा रहा है और वैसा करता जा रहा है अच्छा इसको निकालो कोतवाल को अभी सर्व मुहर पकड़ लाओ गडरिया निकाला जाता है कोतवाल जो आ जाता है क्यों बे कोतवाल तेने सवारी ऐसी से निकाली क्या हो रहा है, ठीक है? बकरी गिरी कल्लू बनिया दब गया कुछ उल्टा सीधा ही कह रहा वो अब कोतवाल क्या कहता है कोतवाल कहता है महाराज महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं है मैं तो शहर इंतजाम के वास्ते गया था जैसे ही इसने शहर बोला ना अब ये जो मंत्री था ये तो दिमागी था अपने आप में ही बोल देता है कि भाई यह तो बड़ा ही गजब हुआ ऐसा ना हो कि ये इस पूरे नगर को ही फांसी लगा दे कि कोतवाल से यह नहीं तो उसने एकदम से कह दिया कि तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली तो अब मंत्री को यह था कि चलो पूरे शहर को मारने से अच्छा है कि एक कोतवाल को ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए ठीक है तो वो कहता है कि हाँ हाँ यह नहीं तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी कोतवाल केवल महाराज महाराज चिल्लाता है कहीं अगर उसने ऐसा बोल दिया होता कि शहर की बात आ गई तो पूरे नगर को ही जल, फांसी दे देता इसलिए मंत्री ने यहां पर थोड़ा सा क्या किया अपनी बुद्धिमत्ता से उसको कोतवाल को ही फांसी देने का आग्रह किया कुछ नहीं महाराज महाराज ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो दरबार बर्खास्त और यह लिखा वहां पर क्या हो जाती है आपकी गिरती है ठीक है लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं ठीक है दैट्स इट ये हो गया आपका ये वाला अंक उसके बाद जो अगला अंक है देखिए पांचवा स्थान है अरण्य ये भी आपको ध्यान रखना है पांचवें अंक का नाम है अरण्य गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं अब यहाँ पर एक राग है देखना राग काफी कैसा राग है यहाँ पर राग काफी तो ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है देखना कि अंधे नगरी में कौन सा राग आया है ठीक है तो अलग अलग राग है ना राग भैरवी राग खाना तो यहाँ पर राग काफी आया अंधे नगरी अनबुज राजा टके शेर भाजी टके टकेजा ऊंच नीच सब एक ही ऐसे जैसे भंड पंडित जैसे तैसे, कुल मन बढ़ाई सब एक से लोग लुगाई। मतलब यहां पर रहा है कि एक समान ही है मतलब अरण्य में क्या है जो आपका गोवर्धन दास है वो अभी जंगल में ही है देखना उस वो इन सब चीजों से अनजान है कि राजसभा में ऐसा ऐसा हो रहा है ठीक है ये गाना गा रहा है कि भाई यहां तो बड़े आनंद है ना ये गाना गा रहा है मिठाई भी खा रहा है देखिए यहां पर गुरुजी ने हमको नहाक यहाँ रहने को मना कर दिया ये कह रहा है कि गुरुजी ने तो बेकार में ही हमें क्या कर दिया यहाँ पर रहने के लिए मना कर दिया माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है रोज मिठाई चा और मजे में आनंद से राम भजन करना ठीक है यही क्या कर ये कह रहा है कि यही तो काम है गुरु तो बेकार ही बोलते हैं कि यहाँ नहीं रहना चाहिए ठीक है आगे ये क्या कह रहे हैं मिठाई खाता है उतने में चार प्यादे चारों ओर से उसको पकड़ लेते हैं पहला प्यादा चल बे चल बहुत मिठाई का कर्मुटाया है आज पूरी हो गई बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए दूसरा कहता है गोवर्धन दास घबराकर यह आपत कहां से आ गई है अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब अब चलिए फांसी चढ़िए फांसी अरे बाप रे फांसी मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है मोटे होने से फांसी या कहा का, का न्याय है अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच है सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे भगवान को जवाब राजा देगा हमको क्या मतलब हम तो हुक्मी बंदे हैं तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फसा देते हो ये देखिए अब उसकी बारी आ गई पहला प्याद क्या कहता है कि बात ये है कि कोतवाल की को फांसी का हुक्म हुआ था जब फांसी देने को उसके उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया है इस पर हुक्म हुआ कि एक छोटा एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होना जरूरी है नहीं तो न्याय ही नहीं होगा है ना इसी वास्ते तुमको जाते हैं ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी चीज है गोवर्धन तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में नगर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो इसमें दो बात है एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं है दूसरे किसी को पकड़ते हो तो वह जाने क्या क्या बात बनावे कि हम उन्हीं कि हम लोगों के सिर पर कहीं ना गहराए और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है इससे तुम ही को फांसी देंगे आगे क्या गोवर्धन की अरे मैं नाहक मारा जाता हूं अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है अरे गुरु जी महाराज का कहा मैंने माना न माना उसका फल मुझको भोगना पड़ा गुरु जी कहा हो आओ मेरे प्राण बचाओ अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरु जी गोवर्धन दास चिल्लाता है प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं तो यहां पर है तीसरे जो आपका अरण्य है अरण्य और जंगल अरण्य जंगल आपका थोड़ा सा जंगल ही है अरण्य आपका थोड़ा सा जो सजावट है जिसकी सुंदरता भी रहती है वो आपका अरण्य के नाम से जाना जाता है तो ये ध्यान रखिएगा पांचों अंक अरण्य है जहां पर गोवर्धन दास पहले मस्त होकर जो है वो खा रहा होता है और गा रहा होता है कि भाई अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके खाजा कोई भी यहां पर जो है वो क्या है सब बराबर है भाई कोई भी ऊंच नीच नहीं है फिर आता है लास्ट में शमशान पांचों में ही उसको पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई मोटा ही नहीं होता है राजा के डर से कब उसको फांसी हो जाए ठीक है तो अब शमशान का अंक है लास्ट ये वाला भी प्रश्न पूछा है देखना पुराने पेपर में कि इसके आखिरी अंक का नाम क्या है तो शमशान है गोवर्धन दास को पकड़े हुए चार सिपाहियों का प्रवेश हो जाता है गोवर्धन दास हाय बापरे मुझे बेकसुर ही फांसी देते हैं अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों का क्या लाभ होगा अरे मुझे छोड़ दो हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है पहला सिपाही अब चुप रह राजा का हुक्म भला नहीं भला कहीं टल सकता है या तेरा आखिरी दम है राम का नाम ले बेफायदा क्यों शोर करता है चुप रह ये चीज ये कह रहा है यहां पर देखना कि भाई तू तो अब क्यों बेकार में शोर कर रहा है एक तो ये चीज है दूसरी चीज क्या है इसमें आगे क्या कहता है गोवर्धन दास हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना उसी का यह फल है गुरुजी ने कहा था ऐसे नगर में न रहना चाहिए या मैंने न सुना अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है तब वचने की कौन आशा है अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो इस फकीर को बचावे गुरु जी कहां हो बचाओ गुरु बचाओ रोता है सिपाही लोग जो है वहां पर आ जाते हैं ठीक है ये सारी चीजें हैं एक मिनट देखिए मजा तो आ रहा होगा आपको लोगों को मैंने तो इस नाटक का मंचन बहुत बार किया है आप लोगों ने शायद किया या नहीं ओके तो अब इसके पड़ी। अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी क्या दशा है गुरुजी आ जाते हैं। सिपाई, सिपाई उसे हो गई है तेरी अब आगे क्या कहता है ये गोवर्धन दास गुरु को हाजो गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई सो इसके लिए मुझे फांसी देते हो गुरु जी बचाओ अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा नगर में रहना ठीक नहीं है तो ने मेरा कहना नहीं माना मैंने आपका कहा नहीं माना उसी का फल मिला आपके सिवा अब कोई रक्षा अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा कर सके ये ये कह रहा है देखना ये वाली बात अब आगे क्या है कि कोई चिंता नहीं नारायण सब समर्थ हैं भौजे का सिपाहियों को कहता है सुनो भाई मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा लाभ ना होगा नहीं महाराज हम लोग हट जाते हैं आप बेशक उपदेश दीजिए सिपाही हट जाते हैं गुरु चेले के कान में कुछ समझाते हैं एकदम से तब तो गुरु जी हम फांसी चढ़ेंगे नहीं बच्चा मुझको फांसी चढ़ने दे नहीं गुरु जी हम फांसी पढ़ेंगे नहीं बच्चा हम इतना समझाया नहीं मानता हम बूढ़े भय हमको जाने दे स्वर्ग जाने में बुढ़ा जवान क्या आप तो सिद्ध हो आपको गति या गति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा इसी प्रकार दोनों उज्जत करते हैं सिपाही लोग जो है वो परस्पर क्या करते हैं सिपाही लोग जो है वो एक दूसरे से यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब सिपाही नहीं सॉरी वो दोनों क्या आपस में उजत करते हैं मतलब बोलते रहते हैं कि मैं जाऊंगा मैं चढ़ूंगा फांसी अब क्यों चढ़ेंगे ये इसका भी एक रीजन है यहाँ पर पहला सिपाही बोलता है भाई क्या माजरा है कुछ समझ नहीं पड़ता ठीक है दूसरा सिपाही हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गड़बड़ा गड़बड़ा है ठीक है क्या गोलमाल है यह ठीक है राजा कहता है फिर आता है आपका पहला सिपाही महाराज चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं फांसी पढ़ूंगा ठीक है अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि अब ये तो मतलब एक सोचने और विचारने वाली बात है कि क्या हो रहा है भाई क्यों ये जो है ऐसे लड़ रहे हैं ठीक है तो यही चीज है इसमें दूसरी चीज ये कह रहा है कि महाराज चेला कहता है मैं चढ़ूंगा दूसरा कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा क्या बात है राजा गहरा गुरु से बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं गुरु कहता है कि राजा इस समय ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ में जाएगा देखिए इसका दिमाग देखिए कितना जबरदस्त दिमागी व्यक्ति था ये जो महंत है ठीक है यहां पर इसका नाम गुरु है देखना कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें गुरु और हो गया और महंत और हो गया तो ये जो गुरु है ये महंत ही है इस बात को याद रखना है आपको ठीक है इसने क्या तरकीब बना दी कि भाई इस वक्त ऐसा योग बना है कि जो जो भी क्या करेगा इस वक्त जो है फांसी चढ़ेगा सीधा कहां जाएगा वो बैकुंठ जाएगा ठीक है ये चीज है एंड And... मंत्री मंत्री बड़ा समझदार था वो क्या बोल रहा है वो रहा है तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे फिर गोवर्धन दास हम, हम हम हमको तो हुक्म है ठीक है गोवर्धन भी अब थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है क्योंकि उसको तो गुरु ने समझा दिया है कि हम चढ़ेंगे ठीक है कोतवाल हम लटेंगे लटकेंगे हमारे सब तो दीवार गिरी अब तो कोतवाल स्वयं कह रहा है कि भाई मैं ही दीवार पर ये फांसी पर चढ़ जाऊंगा राजा कह रहे हैं कि चुप रहो सब लोग राजा की आचत आचत मतलब जीते जी और कौन बैकुंठ जा सकता है कि राजा तुम है कि हम है भाई इसलिए राजा को ही सबसे पहले फांसी पर जाना चाहिए ठीक है ताकि हमें ही बैकुंठ की प्राप्ति हो सके ठीक है तो हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी और जहां न धर्म यहाँ पर देखिए फिर से एक उपदेश जो है वो गुरु के द्वारा दिया गया है जहां न धर्म बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज ते ऐसे ही आप हूं न जैसे चौपट राज तो यहाँ पर ये यह है कि जहां पर दया धर्म बुद्धि नहीं होती है ठीक है नीति नहीं होती है ना तो अच्छा ज्ञान होता है तो ऐसे ही आप हूं कि अपने आप ही स्वयं ही वो ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे चौपट राज नष्ट हो जाएगा और यही स्थिति यहाँ पर है ठीक है तो ऐसे ही इसका पटाक्षेप यानी कि अंत हो जाता है और इस तरीके से ये समापन इसका हो जाता है ये छोटा सा नाटक है देखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये बहुत ही इजी है इसको समझना यहां पर आपको जो प्रश्न बन सकते हैं जो मेन मेन प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताए थे बस उन्हीं को आपने थोड़ा सा ध्यान भी रखना है ठीक है इसको देखिएगा है ना बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी बात नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगी एक बार इसको देखिए बीच में कथन भी इसके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके जो गीत है ना वो थोड़े से याद रख लेने हैं कि प्रथम अंक में कौन सा गीत आता है दूसरे में कौन सा आता है तीसरे में कौन सा आता है उनको जरूर याद रखना और ये वाली लाइन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है देखना जिससे इसकी समाप्ति हुई है कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान समाज ते ऐसे ही आप हूं नशे जैसे चौपट राज ठीक है कि ऐसे ही नष्ट होता है जैसे चौपट राज का खात्मा हुआ है ठीक है ये आपको यहां पर इसमें इसमें ध्यान में रखना है अब जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी हैं उनको हम थोड़ा सा जानते हैं ठीक है पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है है ठीक जैसे जो लाइन जहां पर आपको लग रहा है कि ये एग्जाम में काम की हो सकती है उसी लाइन को आपने याद रखना है ठीक है औरों को याद रखने की जरूरत आपको नहीं है जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी पड़ेंगीके इसको देखिए अब ये वाली स्लाइड विजिबल है सबको इसमें जो मुख्य बातें थी ना केवल उनको ही फोकस करना मुख्य बातों का मतलब है जैसे हमने शुरुआत में देखा कि अंक कौन से हैं एक तो वो चीज है दूसरी चीज टोटल अंक कितने हैं तीसरी चीज पात्रों का जो थोड़ा सा ये मतलब तो उनका व्यक्तित्व तो कैसा है वो याद रखना है पात्र तो यहाँ पर सबसे जरूरी गोवर्धन दास ही है इसमें पूरी की पूरी स्टोरी जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमती है देखना बाकी पात्र तो यहाँ पर गुरु का पात्र गुरु जो है वो बड़ा बहुत जरूरी है एक महंत है साधु है जो बिल्कुल समझदार व्यक्ति है देखना इसमें ठीक है बाकी अगली क्लास में हम भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ेंगे और भारत दुर्दशा को पढ़ने से पहले एक चीज आपको ये याद रखनी है देखना कि जो आपके पास भारत दुर्दशा नाटक के बारे में ऊपर बताई गई चीजें हैं ना चलिए मैं इसके बाद उसको बताता हूं आपको उसको एक बार जरूर देखना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है देखना उसकी उसको देखना पड़ेगा ठीक है चलिए वो मैं में बताता हूं आपको कि क्या चीज पढ़नी है उसमें पहले हम इसको देख लेते हैं एक नजर में बातेंदु के मौलिक नाटक यहाँ पर सारे लिखे हैं देखना ये आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे इनको याद रखने की जरूरत है आपको जरूरत ऐसे है कि इसका जो रूप है वो कैसा है ठीक है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था जब हम ये वाली बात पढ़ रहे थे देखना जो आपका नाटक वाल नाटक का परिचय वाली ठीक है तो उस वक्त हमने इस चीज को देख लिया था ये चीज देखना कि वैद की वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति प्रेम जोगिनी विश्व विषमौषधम चंद्रावली नाटिका ठीक है विश्व विषमौषधम भाण है जिसको हम एक पात्र नाटक भी कहते हैं यह हमने आगे देखा था फिर यहां पर देखिए आठ है इनके मौलिक नाटक देखना मौलिक कितने हैं आठ हैं और जो अनुदित नाटक हैं वो नौ हैं अनुदित यहां पर नहीं रखे हैं अनुदित नाटक हम कल पढ़ेंगे आज आपने सिर्फ इन आठ नाटकों के बारे में देखना है इनमें से अंधेर नगरी हमने पढ़ लिया इसके अलावा जो भारत दुर्दशा है इसको साथ में आप कल करेंगे हम और बाकी नाटकों को थोड़ा सा देख लेना इसकी जो विषय वस्तु वगैरह वगैरह है ठीक है तो थोड़ा सा आपने ये देखना है ओके इसको देखिए आप है ना चलिए अगला क्या है यहाँ पर अगले हमारे पास अंधे नगरी अठारह अब देखिए ये प्रश्न इस बार पूछा गया था आपका एक पंक्ति में दिया हुआ था कि अंधेर नगरी अठारह में है फिर आपको दूसरी पंक्ति ऐसे भी दी दी जा सकती थी कि इसके तृतीय अंक का जो नाम है वो जंगल है ऐसे करके भी पूछा जा सकता था आपको मतलब कि तीन चार पंक्तियां दी गई एक में इसका प्रकाशन वर्ष दे दिया दूसरे में इसके अंकों के नाम दे दिए गया तीसरे में इसके पात्र दे दिए गए तो पात्र यहाँ पर सारे के सारे रखे गए हैं देखना और यहाँ पर वो बिल्कुल क्रम से रखे गए हैं जैसे क्रम से वो आते हैं ठीक है अगर आपको नाटक पढ़ने का मन नहीं है तो आप यहां से पढ़ना कि जब आपका बाजार का दृश्य आता है तो सबसे पहले कबाब वाला है फिर गासीराम है फिर नारंगी वाला है ये बिल्कुल उसी क्रम में लगाया है मैंने जिस क्रम में ये अभी नाटक में हमने पढ़े ठीक है इसको ध्यान रख लेना फिर उसके बाद आपका क्या आता है बीच में ये सबसे पहले जो आपका फरियादी आता है देखिए दरबार में फरियादी के बाद कल्लू है कल्लू बनिया आएगा ना कल्लू बनिए जो है कारीगर आएगा क्योंकि उसने कारीगर से दीवार बनाई थी फिर दीवार बनाने के लिए कारीगर का जो सहारा लिया वो चूने वाले ने किया था देख लो उसमें चूना ऐसा मिलाया था ठीक है फिर ये बोल रहा है कि वो मेरी गलती नहीं थी बिष्टी की गलती थी बिष्टी बोलता है कि मेरा ध्यान तो कसाई की तरफ था ठीक है फिर कसाई बोलता है कि वो गडरिए ने गडरिए ने किया था ठीक है गड़रिया ने भेड़ उसको मोटी दे दी फिर ये बोल रहा है कि मैंने मेरा ध्यान तो कोतवाल की तरफ था तो कोतवाल को देता है फिर चार प्यादे हैं यहाँ पर ठीक है ये चार प्यादे जो है उसको पकड़ने जाते हैं गोवर्धन दास को फिर वापिस आ जाते हैं ठीक है फिर तो वही है जो सारे के सारे पात्र हैं लास्ट में ठीक है तो ये पूरे के पूरे पात्र आपको यहां पर प्रति याद रखने हैं तो प्रतीकात्मकता है इसमें देखना अंधेर नगरी नाटक में इसको भी आप याद रखिएगा तो यहां पर महंत जी हैं वो किसके प्रतीक हैं देखना नीति और उपदेश के प्रतीक हैं वो बार बार जो है वो गोवर्धन को ये समझाता रहता है कि बेटा कभी भी लोभ नहीं करना है लोभ पाप का मूल है ठीक है ये चीज कहते हैं ना और दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है देखना कि जो आपका लास्ट में ये कहता है कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन तो ऐसे ही आप जैसे चौपट राज ये भी ये भी पर, ये पर उपदेश दे रहा है देखना इस नाटक में लास्ट में लास्ट के जरिए इसने क्या दिया है उपदेश और नीति की बात कही है फिर गोवर्धन दास ये तो लालच का प्रतीक है और जो राजा है देखना वो सत्ता लोलुपता एवं विवेकहीनता का प्रतीक है हालांकि नारायण दास उसका आदर्श शिष्य तो है लेकिन उसका ज्यादा आदर्श रूप में देखने को नहीं मिलता है उसका कोई संवाद भी हमें ज्यादा नहीं मिलता ठीक है ये दूसरा शिष्य है इसका देखना राजा जो है वो सत्ता लोलुप है यानी कि सत्ता का लालची है लोभी है और विवेकहीन है और ये सिर्फ एक चौपट राजा नहीं था बल्कि उस वक्त जो है हमें चौराहे चौराहे पर चौपट राज मिलते थे ये कहने का मतलब है ठीक है तो इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को ओके तो ये हो गया यहाँ पर अंधेर नगरी के जो प्रसिद्ध पात्र हैं सारे पात्र यही हैं अंक इसके छह हैं पहला अंक है बाया प्रांत दूसरा है बाजार तीसरा है जंगल चौथा है राज्यसभा, पांचवा है अरण्य छठा है शमशान ठीक है इसको ध्यान में रखिए इसके बाद आगे कौन सी चीज आती है देखिए पहले अंक में क्या चीज है बाह्य प्रांत में एक नजर में फिर से देखते हैं इसको आपको बस ये छोटी छोटी चीजें बनानी है देखना आपने एक बार नाटक पढ़ लिया जैसे ही नाटक पढ़ा उसके बाद आपको ये मेन मेन चीजें यहां से निकाल लेनी है और इसमें तो यही चीजें हैं बाकी भारत दुर्दशा में क्या चीजें हैं इसमें दोनों ही नाटकों में जो देखना गीत ज्यादा है और इसकी कविताएं जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही नाटकों की खासकर भारत दुर्दशा में तो आपको ज्यादातर गीत ही देखने को मिलते हैं वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे अभी फिलहाल इतना यहाँ पर करेंगे ओके तो अंधे नगरी पहला अंक ये बो रहा है कि इस अंक में महंत जी अपने दो चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजन करते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं और ये पंक्ति ये कहते हैं कि राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम के भजे से गणिका तर गई राम के भजे से गति गीत गति पाई कि गीत भी जो है वो गति पा रहे हैं राम भजन से ही और गणिका भी तर गई यानी कि वैश्या भी जो है वो वसागर से पार हो गई मंथ जी गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर नारायण दास को पूर्व की ओर भिक्षा मांगने भेजते हैं लेकिन साथ साथ में ये उपदेश भी देते हैं कि कभी लोभ नहीं करना ठीक है आ, हमें लालच नहीं करना चाहिए ये उपदेश के साथ वो भेज देते हैं और लिखा है देखिए लोभ का पाप को मूल है लोभ मिटावत मान की लोभ तो हमारी मान मर्यादा को भी खत्म कर देता वही लोभ कभी ना कीजिए या में नर्क निदान ठीक है या में नर्क तक पहुंचा देता है ओके 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 कोई बात नहीं धीरज ठीक है ये हो गया इसके बाद अगली चीज कौन सी है देखिए उसको थोड़ा सा आपने देखना है ये हो गया पहला अंक कुछ भी नहीं था इतनी ही चीजें थी पहले अंक में दूसरे अंक में क्या है दूसरा अंक है आपका बाजार का इस अंक में गोवर्धन दास चौपड़ राजा की अंधेर नगरी में पहुंचता है जहां बाजार में तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं परंतु सभी का मूल्य टकासेर है उसे आश्चर्य तो होता है पर वहां से मिठाई ले, ले लेता है ठीक है आश्चर्य कुछ पल के लिए तो उसको होता है लेकिन लालची प्रवृत्ति का था तो वो ले लेता है उन चीजों को ठीक है पहले पहल कबाब वाला कबाब बेचता है तो पहले नंबर पर कबाब वाला उसके बाद घासीराम काशी की तत्कालीन वैश्याओं के नाम गिनाता है तोकी मैना गफूरन और मुन्नी ये एक बार फिर से याद रखिए इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और नई चीज अब पूछी जा सकती है इसे देखना अब इसकी चाहे और चीजें नाटक के बाहर से पूछी जाए वो एक अलग बात है नाटक हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया उसमें कोई भी ऐसा अंश नहीं था जिसको हमने ना देखा हो ठीक है तो तत्कालीन वैश्याए कहाँ की थी काशी की वैश्याओं का वर्णन है इसमें मैना गफूरन और मुन्नी फिर नारंगी वाला आता है देखिए तीसरे नंबर पर ये क्या कह रहा है बांग्लादेश के एक नगर सिलहट और नेपाल के कस्बा बुटवल की नारंगी बेचने के साथ साथ कानपुर उत्तर प्रदेश की आनंदबाग और रामबाग की नारंगी बेचते हुए नजर आते हैं नारंगी वाला जो है ठीक है फिर इसके बाद ये कह रहा है कि बाजार के दृश्य में क्रमानुसार पात्रों का आगमन जो हुआ है वो इस प्रकार है इसके बाद पहले प्रारंभिक तीन तो ये हो गए पहले पहल कबाब वाला आ गया फिर उसके बाद आपका गासीराम आ गया गासीराम के बाद आपका नारंगी वाला आ गया नारंगी वाले के बाद हलवाई हलवाई बाद के कुंजिन कुंजिन के बाद मुगल मुगल के बाद पाचक वाला इसके बाद मछली वाला फिर जात वाला और फिर बनिया ये इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं देखना इनको देख लीजिएगा तीन दो पांच पांच दो सात सात एक आठ एक नौ दस दस लोग हैं ये टोटल जो अलग अलग चीजें यहाँ पर बेच रहे हैं ठीक है पहला है कबाब दूसरा है घासीराम तीसरा है आपका नारंगी चौथा हलवाई पांचवा कुंजलिन छठा मुगल सातवां पाचक वाला आठवां मछली वाला नवां जात वाला दसवां बनिया ठीक है ये हो गया आपके सारे के सारे यहाँ पर देखिए जो बाजार के दृश्य में अपने अपने जो चीजें बेच रहे हैं यहाँ पर जो चूरन की बात मैंने कही ना उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना वहां से प्रश्न आपको आ सकता है चूरन साहब जो खाता ठीक है उसको एक बार आपने देखना वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है है ना जो पाचक वाला कहता है ठीक है और चना जोर गरम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो दूसरे अंक में घासीराम आता जो चने बेचता है देखना उसको याद रखिएगा ठीक है तो ये आप यहां याद रखना इनसे बाकी और कोई खास बात दूसरे अंक में नहीं रहेगी फिर तीसरे अंक में चले जाना है जंगल का दृश्य है देखना यहाँ पर इस अंक में महंत जी और नारायण दास एक ओर से और दूसरी ओर से कौन आते हैं गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं एक तरफ से राम भजो और दूसरी तरफ से अंधेर नगरी यानी कि राम भजो क्या कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं आपका जो नारायण दास और महंत हैं और अंधेर नगरी चौपट राजा कहता है यहाँ पर जो आपका गोवर्धन दास ठीक है महंत ऐसी नगरी में न रहने का उपदेश देते हैं सेथ सेथ सब एक से जहां कपूर कपास ऐसे देश को देश में कौन न कीजिए बास ये वाली पंक्ति यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है देखना इसको याद रखिए और प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों को आपको मिलान के लिए ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं देखना कि यह पंक्ति जो है वो किस अंक में है ठीक है तो प्रथम अंक में पंक्ति दूसरे अंक की पंक्ति ऐसे करके इनको थोड़ा सा याद रखिएगा इन गीतों को है ना ये एक प्रश्न और बनेगा आपको कि पहले अंक के गीत कौन है इनको मिलान के लिए रखिए दूसरे अंक में कौन सा गीत आता है इसको मिलाइए ठीक है तो ये हो गया फिर गोवर्धन दास जो है गुरु के साथ चलने से मना कर देता है और उसी नगरी में रहना चाहता है ताकि टके के भाव से बहुत कुछ अच्छा खा सके तो ये तीसरे अंक में गुरु तो उसको उपदेश दे रहा है कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए हम तो जाते हैं लेकिन वो मना कर देता है साथ में गुरु को भी कहता है कि आप भी मत जाइए लेकिन गुरु जो है वो नहीं मानता और महंत जो नारायण दास रहे हैं देखना उसके साथ निकल जाते हैं ठीक है ये बात याद रखनी है फिर है चतुर्थ अंक राजसभा का इस अंक में राजसभा में चौपट राजा एक बकरी की दीवार के नीचे दबकर मर जाने के कारण अपराध में निरअपराधी कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है तो यहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि फांसी की सजा किसको सुनाई गई है कोतवाल को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है देखना यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो जल्दबाजी में कल्लू बनिया कर देते हैं तो कल्लू बनिए को फांसी की सजा नहीं सुनाई थी इसने कल्लू बनिए को इसने सबसे पहले बुलाया था देखना पहले पहले तो वैसे दीवार को बुलाया फिर दीवार के रिश्तेदारों को बुलाया लेकिन फिर क्या करता है कि कल्लू बनिया को यह बोलता है कि उसको फांसी पर चढ़ाया जाए लेकिन वहां पर जो कल्लू बनिया क्या कहता है कि अपना पक्ष रखता है और आगे कहता है कि मेरी गलती नहीं है वो कारीगर ने दीवार ऐसी बनाई कारीगर तो चूने वाले को भेज देता है ठीक है वैसे चूने वाला जो है वो भिष्टी को भिष्टी जो है वो आपके कसाई को कसाई जो है आपका कोतवाल को मतलब अलग अलग चीजों को वो आगे टका देते हैं उस बात को ठीक है तो ये ध्यान रख लेना है देखिए कि यहाँ पर फांसी किसको दी गई कोतवाल को ही दी गई किसकी वजह से मंत्री की वजह से क्योंकि मंत्री को बहता कहीं ये पूरे शहर को ही फांसी ना लगा दे ऐसा भी प्रश्न आपको आ सकता है कि मंत्री ने क्यों जो है जानबूझकर कोतवाल को ही फांसी की सजा देने की वकालत की तो ये याद रखना है क्योंकि क्योंकि जो कोतवाल था उसने शहर का नाम बीच में ले लिया था कि मैं तो शहर इंतजाम के वास्ते गया था भाई अब जब शहर की बात अगर आ जाती तो राजा जो है वो मूर्ख था क्या पता वो पूरे शहर को ही फांसी लगा देता तो इसलिए उसने क्या बोला कि भाई इसी किया इसी का ही दोष है ठीक है ये ध्यान रख लेना है फरियादी राजा से न्याय मांग न्याय की मांग करता है तो राजा कहता है कि तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी नहीं होगा ठीक है तो वो बोलता तो उसको ऐसा कि तुम्हारे पास तुम्हारा न्याय तो मैं ऐसे करूंगा कि जैसे यमराज का न्याय भी नहीं होता है वही वो मैं न्याय कर सकता हूँ ठीक है तो ये इसको किसको कहता है फरियादी को कहता है राजा है ना यह भी चतुर्थ अंक का एक महत्वपूर्ण अंश हो सकता है फरियादी की बकरी कलु बनिया की दीवार से गिरने से मर गई ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि फरियादी जो आता है उसकी बकरी जो है वो किसकी दीवार से मर जाती है तो कलुबनिया की जो दीवार है वो गिर कर मतलब उसकी बकरी को मार देती है उसकी दीवार गिरती है और बकरी मर जाती है बनिए की दीवार से ठीक है अब यहाँ पर देखिए राजा द्वारा न्यायपूर्ति व दंड विधान के लिए बुलाए जाने वाले पात्रों का क्रम अनुसार आगमन कैसे होता है सबसे पहले दीवार को बुलाया जाता है दीवार के रिश्तेदारों को पकने का आदेश दिया जाता है कल उन्नियों को बोला जाता है कारीगर है चूने वाला है बिजती है कसाई है गडरिया है और कोतवाल है इनका क्रम याद रखना है देखिए कि राजा किन किन पात्रों को किस क्रम से बुलाता है तो याद रखने हैं ये सारे के सारे ठीक है ये छोटी छोटी चीजें हैं ये आपके काम की हो सकती हैं ओके अब जो लास्ट है आपका देखिए राजसभा हो गई पांचवा अंक देख लेते हैं अरण्य का इस अंक में राजा के चार सिपाही या चार प्यादे जहां पर इसके लिए लिखा गया है देखना यह भी देखिएगा चार प्यादे जो है वो गोवर्धन को फांसी पर लटकाने के लिए आते हैं क्योंकि कोतवाल की गर्दन में फांसी का बड़े आकार का फंदा पूरा नहीं आता जिस कारण गोवर्धन दास की मोटी गर्दन उसमें डालकर उसके लटका देने का निर्णय किया जाता है ठीक है गोवर्धन जो है इस अंक में राग काफी गाता हुआ पहले

जो है वो उतना ज्यादा मोटा नहीं है कि वो फांसी के फंदे में उसका सिर आ सके ठीक है तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है और इसलिए वो गुवर्धन को अपने साथ ले चलते हैं छठे अंक में क्या होता है कि शमशान का अंक है इस अंक में गुवर्धनदास अपने गुरु को स्मरण करता है गुरु जी सम, सही समय पर आकर उसे युक्ति से बचा लेते हैं और चौफट राजा अपनी मूर्खता से स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है और नाटक का अंत भी इस उपदेश के साथ हुआ है कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजन समाज से ही, ऐसे ही आप हूं जैसे चौपट राज तो थिंक अब आपको इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है एक बार आपने इसको अच्छे से देख लिया बस इसको नोट डाउन कीजिए और इन कविताएं जो बीच बीच में आई हैं जो गीत आए हैं मतलब इनको लिख डालिए आपका पूरा का पूरा नाटक जो है आपको याद हो जाएगा ठीक है इनको ध्यान में रखना है कोई भी मुश्किल बात इसमें नहीं थी और इसमें कोई अब खास प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से प्रश्न नहीं बनता है हर बार आज तक जितनी भी बारी पेपर हुआ है देखना प्रश्न जरूर पूछा गया है है ठीक तो जो कुछ नए अंश आपको इसमें मिले हैं ना बस उन्हीं को फोकस करना है और जो पुरानी चीजें हैं वो तो अब आपको ऑलरेडी याद है कि पहला अंक भाइया प्रांत दूसरा बाजार तीसरा जंगल चौथा राजसभा पांचवा अरण्य छठा शमशान ठीक है और दैट्स इट उन जो आपका Uh, 1881 में इसका प्रकाशन है अंक टोटल हैं, ठीक है, है प्रहसन इसकी शैली है ठीक है अगर इसका रूप पूछा जाए भाई कि uh, कौन सा रूप है रूपक के भेद है ना रूपक के भेदों में से ही एक प्रहसन है रूपक के भेद कितने हैं दस हैं, इसलिए उसको दस रूपक के नाम से भी जाना जाता है ये चीजें आपने सारी पहले पढ़ी है पीजीटी में देखना इनकी इसलिए मैंने इनको यहाँ से अलग से आपको नहीं बताया है तो एक नाटक हमारा आज कंप्लीट है और लास्ट में आपको यहाँ पर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रखे हैं देखना इनको देखिए हरिश्चंद्र ने नाटक के उद्देश्यों की संख्या पांच बताई है जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी श्रृंगार हास्य कौतुक समाज संस्कार और देशवत्सलता ठीक है ये है इसके जो मुख्य जो उद्देश्य हैं ये कह रहा है कि एक नाटक में जो है वो श्रृंगारिकता भी होनी चाहिए हास्यात्मकता भी होनी चाहिए कौतुक यानी कि जिज्ञासा भी होनी चाहिए समाज संस्कार की सामाजिक सरोकार भी उस नाटक में होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हास्य व्यंग्य के लिए लिखा ऐसा नहीं है ठीक है और देश वत्सलता यानी कि देश प्रेम का अवसर भी उसमें रहना चाहिए हमारी रचना में और यहां पर आपको याद रख लेना है कि इनकी भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों ही रचनाएं जो है वो देश वत्सलता पर आधारित इनके नाटक माने जाते हैं इनको आप जरूर देखिएगा ठीक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इनसे तो पांचों चीजें हैं देखना ये पूछी जा सकती हैं आपको इस नाटक का मंचन काशी के दशाश्वमेध घाट पर हुआ था ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि किस घाट पर इसका मंचन हुआ था तो याद रख लेना है कि दशाश्वमेध घाट पर यह अभिनित हुआ था ये नाटक पहले पहल इस नाटक के जो पात्र थे महंत के दो शिष्यों में आदर्श शिष्य नारायण दास था ठीक है पात्र महंत के कितने शिष्य हैं दो शिष्य हैं आदर्श जो है उसमें नारायण दास था राजा जो है वो कोतवाल को फांसी की सजा इसमें सुना देता है ठीक है तो फांसी की सजा किसे हुई थी कोतवाल को हुई थी इस बात को याद रखिएगा और इसमें आपको एक चीज यह भी प्रश्न बन जाता है देखना कि जो आपका नाटक है देखना इसका इसमें जो है कौन सा जो अम, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसमें नहीं आता तो जैसे नारंगी वाला है एंड कबाब वाला है मछली वाला है तो सब्जी वाला एक है देखना पात्र सब्जी वाला इसमें नहीं है लेकिन उसको कुछ और नाम दिया गया है, वो कुंजरिन वो सब्जियां बेचती थी ना कुंजरिन कोई और था सब्जी बेचने वाला दी थी सब्जी बेचने वाली है ना उसको ध्यान रखना है ना तो सब्जी वाला ना, नाम नहीं दिया गया है उसके लिए यहाँ पर कुंजडिन बोला गया है ठीक है ये ध्यान रखना है आपको ये वाला प्रश्न भी बन सकता है ओके फिर आपको ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जो आपका चूर्ण विक्रेता है पाचक वाला और चना बेचने वाला है घासीराम ठीक है इसको ऐसे करके भी आप इन इन चीजों को भी नीचे इसमें लिख लेना जो इसके संबंधित सम, अन, जो अन्य तथ्य हैं या और बातें जो हैं इस नाटक से उनको ऐसे करके आप निकाल सकते हैं ठीक हो गया यहां पर अब किसी ने कुछ कहना हो आप में से तो फिलहाल आप कह सकते हैं समझ आया मेरे हिसाब से बहुत आसान सा था ज्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है एक बार आप इसको फिर से खुद से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा आया मजा नाटक बनने yes, में तो आनंद है यस सर चलिए बहुत बढ़िया अंकुश राणा ठीक है इस नाटक से कितने प्रश्न पूछे गए थे इस बार सीता एक दो प्रश्नों में तो था ये शायद है ना सर जो ये था ना सब्जी वाला ये सब सर इनको ही आया था सीक्वेंस में लगाने के लिए ये वाला आया था हाँ जी इसकी लाइनें आई थी सर कि ये लाइन किसने बोली थी सबसे पहले अच्छा अच्छा हाँ तो ये अब आप नाटक से देखिएगा है ना इनका शाम वाली शिफ्ट में था सर नहीं मॉर्निंग वाली में था हाँ तभी मैं सोचू शाम वाली में तो हमने देखा था हाँ शाम वाली के लिए आया था इसमें सिर्फ जो मुझे याद रहा कि इसका प्रकाशन वर्ष पूछा था और एक दो चीजें और पूछी थी है ना ऐसा था कुछ लास् रूपक पूछा था हाँ लास् रूपक वो पूछा था भारत दुर्दशा के लिए हाँ ये भी पूछा था भारत दुर्दशा से पूछा था कि उसका रूप कैसा है लास्य रूपक है तो देखिए भारत का जो नाटक है उससे आपके नाटक के रूप जो है वो जरूर याद रखने हैं आठ ही नाटक हैं और उनके रूप आपको देखने हैं और उसमें से सबसे जरूरी तो आपके दो हैं एक है नास्य रूपक एक है आपका जो है प्रहसन ये दो तो याद रखने ही रखने हैं बाकी दो इसकी नाटिकाएं हैं चंद्रावली और प्रेम जोगिनी ठीक है उसमें ई ई लगा है नास्ट में तो वो इकरांत है तो वहीं से याद रखना वो नाटिका है विश्वम जो है एक पात्री नाटक है यानी कि भाण है ये यह आपको यहीं से ही याद हो जाते हैं देखना और पौराणिक नाटक जो है सती प्रताप है वो सती से ही याद रख लेना की पुराणों पर आधारित है देखना पौराणिक है सती और सती का मतलब सावित्री और जो सत्यवान है उनकी कथा पर आधारित जो इनका नाटक है ठीक है उससे याद रखिए बाकी फिर एक नील देवी बचता है वो गीति रूपक है है ना और ये सारे लिखे हुए हैं पीछे देखना इस वाली पीडीएफ में भी और ये आप पीजीटी की क्लासेस से ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो जो जो लंबी बात थी इसमें वो था आपका अंधेर नगरी वाला जो और भारत दुर्दशा वाला तो भारत दुर्दशा हम कल समाप्त कर लेंगे और भारतेंदु जो है इस वीक हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे भारतेंदु युग इसमें हमारे पास बचेंगे फिर इसके दो निबंध हैं दो निबंध हम अगली क्लास में पढ़ेंगे परसों वाली क्लास में एंड एक है इसका दिल्ली दरबार दर्पण और दूसरा है इसका भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है जो कि इसने एक व्याख्यान दिया था देखना वो कोई खास चीजें उसमें नहीं बनेगी जितने जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं वहां से वैसे आज तक प्रश्न नहीं आया इससे से इनके निबंधों से तो उसको हम एक ही क्लास में देखेंगे ज्यादा मुश्किल नहीं है वो एंड फिर आपके पास बचता है भारत हिंदु युग से प्रताप नारायण मिश्र प्रताप नारायण मिश्र का भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक निबंध लगा है उसको साथ में ही पढ़ लेंगे तो भारतीय युग हम इस वीक एंड तक खत्म कर लेंगे एंड आपका भारत हिंदु युग से ये दो ही नाम है ना कोई और तो नहीं है जिसकी कोई और चीज हो हमारे पाठ्यक्रम में कविताएं भी नहीं है इनकी है ना इनकी कविताएं नहीं है हमें या है फिर मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए इनकी कविताएं भारतेंदु की नहीं है भारत हिंदु के नाटक ही हैं और दिल्ली दरबार दर्पण और भारत भारतवर्ष उन्नति निबंध है दो निबंध दो नाटक है भारत से प्रताप नारायण मिश्र से शिवमूर्ति हमें निबंध लगा हुआ ठीक है और आपका भारत हिंदु युग समाप्त फिर भारतेंदु युगिन जो अन्य रचनाकार हैं वो भी देख लेंगे तो तीन या चार क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ओके कोई और चीज किसी ने कहनी हो करिश्मा आज आप क्लास में आए हैं क्या बात है बड़े दिनों बाद आए हैं ठीक चल रहा है समझ भी आ रहा है या नहीं ओके ओके ठीक है शैलजा शैलजा कुमारी अच्छा घर गए थे सरिता आज नेटवर्क ठीक था आपके पास और फिर भी मुझे लग रहा है बीच बीच में जा आ रहा है बीच में ना कनेक्ट ही नहीं हो पाती क्लास ही नहीं ज्वाइन करवाती पाती हूँ मैं अच्छा अच्छा चलिए रिकॉर्डेड तो देख पाते होंगे रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है हाँ जी सर रिकॉर्डेड तो देखती हूँ चलिए ठीक है ठीक है नाटक ऐसे ही रखना है या फिर कुछ अलग तरीके से पढ़ने हैं मेरे हिसाब से तो आप खुद पढ़ लेंगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ना तो पड़ेगा बिना पढ़े नहीं होगा देखना आपको भी पढ़ना जरूरी है बाकी मैं तो फिलहाल पढ़ूंगा ही सात में है ना तो आप लोग पढ़ लें इसको कितने नाटक हैं हमारे टोटल पाठ्यक्रम में हमारे पास हैं जयशंकर प्रसाद के तीन हैं और दो भारत के पांच तो इन दोनों के ही हैं है ना पांच तो इन दो के ही हैं जयशंकर प्रसाद और भारत भारत हिंदु हरिश्चंद्र के पांच तो यही हैं फिर एक धर्मवीर भारती का है अंधायुग ठीक है हो गए छे एंड इसके बाद अगला किसका नाम है देखिए एक है आपका ग्यारह है टोटल ग्यारह है, हाँ। है लक्ष्मी नारायण मिश्र का हो गए सात एंड एक है जो कौन सा था वो आगरा बाजार हबीब तनवीर का ठीक है आठ हो गया मोहन राकेश का आधे अधूरे नौ हो गया एंड मोहन राकेश का एक ही नाटक है या दो है एक ही है दूसरा भी है पषाढ़ का एक दिन शार्क का एक दिन भी है ना तो दो उसके हो गया आपके नौ हो गए ये ही एंड और कौन बचा एक दो तो और भी बचे हैं और सर सैन और है है हाँ, एक और द्रोणाचार्य ठीक है महाभोज अंदर मनु भंडारी का मनु भंडारी का महाभोज मतलब ग्यारह बारह नाटक ऐसा लग रहा है मुझे जो पढ़ने पड़ेंगे ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं इनमें से हम सारे ही कर लेंगे ये टोटल दस नाटक रहे हैं ना अंजू दीदी भी है बड़े तो। बड़े सारे हैं, बड़े सारे हैं हैं करने पड़ेंगे तो है। चंद्रगुप्त का दोनों का ही आया था सर इस बार पे। हाँ सबसे ज्यादा फोकस जो किया जाता है देखना वो इन्हीं से ही किया जाता है या तो भारत या चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सॉरी जो आपका जयशंकर प्रसाद है इन दोनों से पूछते ही पूछते हैं क्वेश्चन चाहे कुछ भी कीजिए आप चौदह हैं हाँ अंकुश एंड सीता कह रहे हैं कि चौदह हैं अंकुश और सीता नेगी बड़ा पढ़ते हैं बहुत ज्यादा दोनों ही यस ज्यादा फोकस इनसे ही करना है देखना कुछ एक ऐसे है ना जो आपको बहुत कम मिलेंगे जैसे आपने आगरा बाजार देखा होगा वैसे पूछा नहीं है कि बहुत बड़ा नाटक है लेकिन मुझसे कम पूछते हैं ये क्वेश्चन अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का देखिए हम सोचते हैं कि ये छोटा सा नाटक है ये जो हमने आज पढ़ा लेकिन आपने देखा होगा हर एक बारी यहां से प्रश्न आपको जरूर पूछा गया है हर एक बारी के एग्जाम में ठीक है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत दुर्दशा से वो या सब पूछ लेते हैं कि भारत लास्ट में क्या करता है भारत उसको जगाता है या फिर वो उसको आत्महत्या कर देता है अपनी जगाने का प्रयास करता है लेकिन उठता नहीं है लेकिन वो आत्महत्या कर देता है अच्छा हाँ मैं ये कह रहा था कि आपको भारत दुर्दशा में क्या देखना है देखिये जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है ना उसके बिल्कुल शुरुआती जो कुछ एक ये पेजेज हैं उसमें भारत दुर्दशा एक मिनट में इसको हटा के देखता हूं अगर अभी मुझे मिलती है वो पीडीएफ इसकी तो उसको एक बार देखना शायद ऐसे आपको समझ नहीं आएगा भोला राम का जीव भारत दुर्दशा ओके ये दिख रही है ना आपको ग्रंथ सूची छठा पेज है भूमिका नाट्य कला यहां से आगे चले जाइए आपको याद कहां से रखना है ये संक्षिप्त जीवनी याद रखने की जरूरत यहाँ पर देखिए ये है पेज नंबर आठ ये आठवां जो पेज है इसको देखना यहाँ पर लिखा है देखिए नीचे लास्ट में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नामक निबंध में नाटक के काव्य मिश्र इन चीजों को देखना ये बड़े काम की चीजें हैं ठीक है काव्य मिश्र शुद्ध कौतुक और भ्रष्ट ये तीन भेद किए हैं इसने नाटक के कितने भेद किए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नामक एक निबंध था इसका देखना ये हमने पहले पढ़ा भी है जब हम किस चीज को पढ़ रहे थे जब हम हिंदी आलोचना की बात कर रहे थे या हिंदी निबंधों की बात कर रहे थे ना वहां पर मैंने पहले पहले आपको बताया था कि इनकी जो प्रबंध प्रथम जो कृति है जो आपकी कैसी कृति मानी जाती है ये इसको हम कहते हैं कि इनकी जो कौन सा था ये मतलब सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आता है ना तो इसको सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम प्रश्न भी मानते देखना तो वहां पर इन्होंने क्या बोला कि नाटक के तीन भेद हैं काव्य मिश्र शुद्ध कौतुक और भ्रष्ट ये तीन भेद किए हैं शुद्ध कौतुक के अंतर्गत आते हैं कटपुतली बाजीगरी आदि का खेल ठीक है और भ्रष्ट के अंतर्गत आते हैं इंद्र सभा रास ये दो चीजें होगी एंड एक और चीज इसमें क्या रहेगी भ्रष्ट के अंतर्गत यात्रा लीला पारसी कंपनियों के नाटक आदि माने हैं फिर तीसरा है काव्य मिश्र इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है देखना ये बड़ा काम का है प्राचीन और नवीन के दो भेद माने हैं अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक प्राचीनता और नवीनता को लिए हुए है ऐसा माना जाता है कि इन दोनों में समन्वय है भाई ठीक है हमारे भारतीय नाटक ये कहते हैं या प्राचीन जो नाटक ये कहते हैं देखना कि इसमें किसी प्रकार की जो आ, हिंसा का जो चित्रण है वो नहीं होना चाहिए जबकि भारत दुर्दशा में इसने लास्ट में जो है वो स्वयं को ही उसको खंजर दिखाते हुए बताया गया है ना तो ये चीज उसके विपरीत है तो ये एक नवीनता का प्रतीक है तो यहां से आपको याद रख लेना है कि भारत दुर्दशा में क्या है आधुनिकता और प्राचीनता का इसमें मिश्रण है ठीक है तो काव्य मिश्र के अंतर्गत इन्होंने प्राचीन और नवीन के दो भेद माने हैं और फिर प्राचीन के अंतर्गत इसने भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के रूपक और रूपरूपक की गणना की गई है ठीक है बस ये याद रखना है आपको यहां तक फिर उसके बाद चले जाना है आपको आगे जैसे थोड़ा सा फिर यहां पर आपको ये चीज याद रखनी है ठीक है ये है देखिए वो जो हमने आज पढ़ा नाटकों की रचना के उद्देश्य यहाँ पर ऐसे भी आपको याद रखना है कि ये इन्हें भारत, भारत दुर्दशा में इन्होंने शुरुआत में बताया था ठीक है यहाँ पर देखिए श्रृंगार है हास्य है कौतुक है समाज संस्कार है और देश पथलता है ये चीजें इन्होंने मानी कि ये नाटक के प्रमुख उद्देश्य होते हैं ये कह रहा है कि श्रृंगार और हास्य के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है जगत में प्रसिद्ध है कौतुक विशिष्ट वह है जिसमें लोगों को चित्र वेदनाथ किसी यत्र विशेष द्वारा और किसी अद्भुत घटना दिखाई गई मतलब कौतुक का मतलब जिज्ञासा आपने ये याद रख लेना कि हम जो भी चीज देखते हैं इसको याद रखने की जरूरत नहीं है आप सब लोग जानते हैं कि क्या क्या मतलब होता है कौतुक का, कौतु का समाज संस्कार का देश वसलता का समास संस्कार का मतलब है दे, देखिए नाटकों में देश की कुरीतियों को दिखलाना मुख्य कर्तव्य कर्म है है ना इसको ध्यान रखना लास्ट आप सब लोग जानते हैं देश वत्सलता का मतलब देश प्रेमी है ठीक है ये यहाँ तक याद रखिए फिर उसके बाद आपको क्या जाना है उसके बाद ये वाला जो यहां पर लिखा देखिए भारत दुर्दशा में इस नवीन नाट्य पद्धति का योग है इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि नवीन नाट्य पद्धति का योग होने पर भी बातेंदु ने उसे नाट्य राशक के नाम से पुकारा है ठीक है ये कह रहे हैं कि है तो इसमें नवीनता लेकिन फिर भी इसने राक का है जो उपरूपक है जो बिल्कुल शुरुआत में ही रूपक के उपरूपक के दो भेदों दृश्य काव्य के ठीक है उनको याद रखना है अब यहां पर देखिए क्या चीज ये बोल रहा है कि इसको नाट्यरासक कहा गया है भारतेंदु ने स्वयं कहा था तो नाट्यरासक ही हमने पढ़े हैं कि उपरूपक उपरूपक का एक वेद है के में से लिखा देखिए प्रकार के उपरूपकों में से एक है भारतेंदु ने इसकी परिभाषा क्या दी है इसमें एक अंक होता है नायक इसका उदात होता है यानी कि धीरो उदात होता है नायक है इसकी वास्क सज्जा पीठ मर्द उप और अनेक प्रकार के गान नृत्य होते हैं ये होते हैं इसमें और ये था इसके अनुसार जो

वे बातें जिनका उल्लेख पाता ने अपनी परिभाषा में नहीं किया है जैसे हास्य क्रीडा श्रृंगार रस प्रधान ये चीजें होगी मुख और निर्वहन संधिया जो नाट्य संधिया हमने पढ़ी थी देखना मुख प्रतिमुख का और कार्य जो अन्य चीजें तो प्रकृति वगैरह ठीक है मुख्य और निर्वहन संधिया अथवा प्रतिमुख संधि को छोड़कर शीर्ष चारों संधियों को इसने रखा है मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन यही है ना चार पांच सॉरी तो इसमें चार संधियां रखी है देखना इसमें प्रतिमुख को इसमें इसने नहीं रखा है इन दो निष्कर्षों के प्रकाश में ही भारत दुर्दशा का अध्ययन करना उचित रहेगा ठीक है ये यहां तक ही देखना उसके बाद आगे चले जाना है मतलब इसको पढ़ना एक बार आपने खुद से ताकि आपको फिर से पता चले कि इसमें क्या चीज है अब यहां से आपको ये चीज देखनी है देखना ये इसका कथानक छोटा सा कथानक है देखना इसको तो एक पहले पहले नाटक को पढ़ने से पहले इसको देख लेना यहां से इस प्रकार भारत दुर्दशा में नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के लक्षण गठित होते हैं इनमें भी प्रमुखता नवीन लक्षणों की है भारत दुर्दशा का कथानक छह अंकों में इस प्रकार विभाजित है पहले अंक में क्या है योगी का लाभनी के द्वारा इसमें आरंभ होता है लेकिन इसमें एक चीज याद रख लेनी है कि इसमें मंगलाचरण है क्या चीज है मंगलाचरण शुरुआत में है देखना आगे इसमें मंगलाचरण के भी इसने भेद बताए हुए हैं कुछ वो भी देख लेने आपने पर इतना डिटेल अभी मेरे हिसाब से नहीं जाना क्योंकि आपको खाली नाटक ही देखने हैं ये चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा जब नाटक के एक बार फिर से हम पढ़ेंगे गद्य वाला पोर्शन ठीक है उसको वहीं पर बताऊंगा अभी फिलहाल आप नाटक पर ज्यादा फोकस करना तो पहले अंक में क्या है दूसरे अंक में क्या है तीसरे में क्या है चौथे में क्या है पांचवें में क्या है ठीक है ये चीज है देखना यहां पर पांच अंक हो गए और छठा अंक छठा अंक है भारत भाग्य तो दोनों ही नाटक इसके छह अंकों के हैं ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा ओके इसको देखना फिर बस इसको छोड़ दीजिए यहां पर ही है ना फिर जाना है आपने पेज नंबर कौन सा ये वाला जो आपका यहां पर हुआ आपका शुरू ये कहा हुआ नहीं अभी भी नहीं हुआ बाईसवें पेज से शुरू होगा ये बाईसवें भी नहीं है ये लग गया तेईस पेज यहां पर भी नहीं है पच्चीसवे पेज से शुरू हो रहा है छब्बीसवें से पहला अंक देखिए स्थान है विधि एंड एक योगिनी गाता है लावनी गा रहा है देखिए रो बहू सब मिल के आ भा बहू भारत भाई हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई ठीक है ये है यहां पर जो लावनी है ठीक है तो ये कविता आपने देखी होगी भारत दुर्दशा कविता से भी संबंधित है पहले इसमें कविता रखी गई है फिर इसमें बाकी आगे क्या है सिर्फ और सिर्फ काव्य ही आता है पहला अंक जो है यहाँ पर मेरे हिसाब से समाप्त है तो पहले अंक में सिर्फ कविता ही है दूसरा है शमशान टूटे फूटे मंदिर है वहां पर कौआ कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है ऐसे ऐसे इसको आपको देखना है ठीक है ये देखिएगा तो पहली चीज आपको क्या करनी है जो मैंने शुरुआती चीजें बताई वो देखिए बाकी दूसरा जो है इसको हम कल देखेंगे आप थोड़ा सा इसको पढ़ के आइए इसका हम हम वाचन नहीं करेंगे ये सिंपली देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें आपने पढ़ी और मैंने क्या पढ़ा दैट्स इट यही हम कल वाली क्लास में जानेंगे ओके चलिए ठीक है फिर अभी अगर किसी ने कुछ कहना है तो कह दीजिए नहीं तो फिर कल की क्लास में ही मिलेंगे समझ आया क्या क्या बोला मैंने आपको करने को ये पीडीएफ अच्छा ये तो मैंने व्हाट्सएप की है आई थिंक सबके पास ठीक होगी पीडीएफ शो हो रही है ना सबको हम्म ओके चलिए अभी दूसरी वाली पीडीएफ को देखना अंधेर नगरी की उसको मत देखना जो मैं पहले भेजी थी वो उसमें बिल्कुल संक्षिप्तता से दिया है दूसरी वाली को देखना ठीक है फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल सुबह ठीक दस बजे तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए पढ़ाते रहिए मुस्कुराते रहिए ओके बाय बाय हैव अ गुड डे